प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी पेपर सेकंड में स्वागत है। हमने पिछली क्लास में एंथोसिरोस के एंथ्रिडियम का विकास और आर्चिगोनियम का विकास तथा निषेचन तक की पूरी प्रक्रिया पढ़ी। अब हम लोग आज जैसे ही निषेचन के पश्चात जायगोट का निर्माण हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि जायगोट इज ए मदर सेल ऑफ स्पोरोफाइट और यहाँ से ही बीजाणुद्भिद का विकास होता है। तो बीजाणुद्भिद के विकास के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्मित द्विगुणित निषिक्तांड आकार में वृद्धि कर अंडदा की संपूर्ण गुहिका को घेर लेता है। इसके चारों ओर सेलुलोज की एक भित्ति स्रावित हो जाती है। इसमें प्रथम विभाजन होने से दो कोशिकाएँ समान आभाप की निर्मित होती है। इसमें दूसरा उदग्र विभाजन अनुप्रस्थ होने से चार कोशिकीय भ्रूण बन जाता है। भ्रूण की चारों कोशिकाएं समान या निचली दो कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी तथा ऊपर की ओर दो कोशिकाएं बड़ी होती है। चारों कोशिकाओं में पुनः उदग्र विभाजन होने से आठ कोशिकीय भ्रूण बनता है। एंथोसिरोस कोशिकाओं की विभिन्न जातियों में अष्टांशंक के निर्माण के पश्चात बीजाणुद्भिद के विकास में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जैसे एंथोसिरोस जेमुलोसस में अष्टांशक के ऊपरी टीयर की चार कोशिकाओं में तीन स्त्री भ्रूण बनता है, जबकि एंथोसिरोस क्रिस्पुलस में दोनों टीयर के कोशिकाओं में एक एक अनुप्रस्थ विभाजन से चार स्तरीय भ्रूण बनता है। एंथोसिरोस जेमुलोसस में निचले टीयर की चारों कोशिकाओं फूट और ऊपरी दो टीयर की कोशिकाएँ कैप्सूल बनाती है, जबकि एंथोसिरोस क्रिस्पुलस में दो टीयर फूट तथा दो टीयर कैप्सूल बनाती है। भ्रूण के फूट क्षेत्र की कोशिकाओं में नियमित व नियमित एंथोसिरोस इरेक्टस तथा भ्रूण के फूट अनियमित तथा हिमालयंसिस एंथोसिरोस हिमालयंसिस में विभाजन होने से एक कंदिल फूट का विकास होता है। फूट की कोशिकाएं पतली भित्ति एवं धानी युक्त होती है। कुछ जातियों में फूट की पृष्ठीय कोशिकाएं गैमेटोफाइट की सेल्स के बीच पोषण अवशोषण के लिए चुस्कांग समान संरचनाएं बनाती है। भ्रूण के ऊपरी टीयर की कोशिकाएं एक परिणति के विभाजन द्वारा बाहर की ओर बहिस्थीसियम तथा भीतर की ओर एंडोथीसियम बनाती है। अंतस्थीसियम की सभी कोशिकाएं बंदे ऊतक में परिवर्तित होकर कोलुमेला बनाती है। शिशु बीजाणुद्भिद के कोलुमेला में बंदे कोशिकाओं की 16 उदग्र पंक्तियां पाई जाती है। बहिस्थीसियम की कोशिकाओं में पुनः परिणतिक विभाजन होने से बाहरी बंदे जैकेट प्रारंभिक तथा भीतरी फलत बीजाणुजल कोशिकाओं की एक परत बनती है। यह फलत परत सामूहिक रूप से प्रप्रसूतक कहलाती है। जैकेट प्रारंभिक की कोशिकाएं परिणतिक यौमन अपनतिक विभाजनों द्वारा 4 से 6 स्तरीय कैप्सूल वाल का निर्माण करती है। कैप्सूल वाल की सबसे बाहरी स्तर की लंबी कोशिकाएं कैप्सूल की बाह्य त्वचा बनाती है। ये कोशिकाएं क्यूटिकल से आवृत एवं रंध्र युक्त तथा भीतर की परतों की कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट युक्त होने से प्रकाश संश्लेषण करती है। आर्ची स्पोरियम में पुनरावृत परिणतिक विभाजनों से प्रप्रसूतक बहुस्तरीय होकर कोलुमेला के रूप में कोलुमेला को पूर्ण रूप से ढक लेता है, लेकिन एंथोसिरोस क्रिस्पुलस व एंथोसिरोस इरेक्टस में प्रप्रसूतक केवल एक स्तरीय पाया जाता है। शिशु आर्चिगोनियम आर्चिस्पोरियम कोशिकाएं छोटी घनाभ सघन कोशिका द्रव्य युक्त होती है, जो तलाभिसारी क्रम में परिपक्व होती है। प्रप्रसूतक कोशिकाएं परिपक्व होने पर बीजाणु मात्र कोशिकाएं व इलेटर मात्र कोशिकाएं बनाती है। स्पोरोफाइट में दोनों प्रकार की कोशिकाओं की संख्या लगभग बराबर होती है। शिशु बीजाणुद्भिद में ये कोशिकाएं नियमित एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती है, परंतु परिपक्व बीजाणुद्भिद में ये मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। बीजाणु मात्र कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि व
पश्चात इनमें अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणु चतुष्क बनते हैं तथा इलेटर्स मात्र कोशिकाएं अनुप्रस्थ या तिरेक विभाजनों से एक तीन से चार कोशिकीय या साकित तंतुल इलेटर्स बनते हैं बनाती है। एंथोसिरोस के इलेटर्स में स्थूलन बैंड नहीं पाए जाते हैं, ये आभासी इलेटर्स कहलाते हैं। शिशु बीजाणु उद्भिद कैप्सूल व कैलोमेला में कैलोमेला प्रसूतक तथा जैकेट होने के पश्चात इसकी वृद्धि समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में फूट एवं कैप्सूल के बीच एक मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र बन जाता है जिसे अंतर्वेशी विभाज्योतक कहते हैं तथा कैप्सूल की शेष वृद्धि इस विभाज्योतक की सक्रियता से होती है। एंथोसिरोस बीजाणु उद्भिद की एक रक्षी आवरण से ढका होता है जिसे कैलिप्ट्रा या परिचक्र कहते हैं। विद्यार्थियों, मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि इसके अंतर्गत जैसे जायगोट बन जाता है, उस जायगोट जब हम इस चित्र का विवेचन करते हैं तो आप लोगों को मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, ये जो जायगोट है ये जायगोट एक बहुत बल्ब नुमा संरचना बन जाती है और इसमें एक उदग्र विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनाती है, दो कोशिकाएं बन जाती है और तत्पश्चात इसमें अनुप्रस्थ असममित अनुप्रस्थ विभाजन होने से चार कोशिकाएं बन जाती है और इन कोशिकाओं में एक उदग्र और एक अनुप्रस्थ विभाजन होने से एक अष्टांशक बन जाता है। एंथोसिरोस के अंतर्गत जो अष्टांशक होता है ये जातियों पर निर्भर करता है, इसमें विविधता पाई जाती है, इसमें भिन्नता पाई जाती है। इसमें ऊपरी टीयर की कोशिकाएं पेरिक्लिनली डिवीजन द्वारा विभाजित होती है जिससे बाहर की ओर एम्फीथीसियम और अंदर की ओर एंडोथीसियम बन जाती है तथा निचले वाला जो टीयर होता है इसमें निचले वाले टीयर में असममित विभाजन होने से एक मांसल कोशिकाएं बन जाती है। तत्पश्चात ये जो एम्फीथीसियम की जो कोशिकाएं हैं इनमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और ये जो कैप्सूल है उस कैप्सूल के चारों ओर आवरण बना देती है तथा कॉलम जो भीतर वाला जो एंडोथीसियम होता है उसमें भी विभाजन होने से कॉलमेला का निर्माण हो जाता है तथा बीच में जो स्थित होती है उनको हम आर्चिस्पोरियम सेल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आगे विभाजित होकर और ये एक संरचना बना देती है। अच्छा, बीजाणु उद्भिद की संरचना एंथोसिरोस के परिपक्व बीजाणु उद्भिद की संरचना का अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं में करते हैं। स्पोरोफाइट की बाह्य संरचना परिपक्व बीजाणु उद्भिद थैलस की अपाक सतह पर बेलनाकार ऊर्ध्व अक्ष के रूप में पाया जाता है। इनका आधार विभाग एक कॉलर समान परिचक से घिरा रहता है। शिशु अवस्था में एंथोसिरोस का कैप्सूल हरे रंग के लेकिन परिपक्व अवस्था में आधार पर पीले एवं बाद में काले रंग के हो जाते हैं। प्रत्येक स्पोरोफाइट में फूट कैप्सूल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। फूट स्पोरोफाइट का ये आधारिक कंदिल भाग होता है जो युग्मकोद्भिद तैलस में अंतस्थापित रहता है। कैप्सूल ये बीजाणुद्भिद का अनुप्रस्थ भाग एवं तैलस की सतह पर सूख या सिंग के रूप में विकसित हो जाता है। इस वजह से एंथोसिरोस को हम हॉर्नवर्ट के नाम से जानते हैं। कैप्सूल की मोटाई आधार से शीर्ष तक एक समान होती है। इसका शीर्ष नुकीला एवं सुंडाकार तथा जातियों पर निर्भर करता है। इसकी जो लंबाई है वह कुछ जातियों में 3 से 15 सेंटीमीटर तक पाई जाती है तथा फूट एवं कैप्सूल के बीच में अंतर्वेशी मेरिस्टेमेटिक उत्तक पाया जाता है। बीजाणु उद्भिद की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हम सबसे पहले फूट का वर्णन करेंगे। बीजाणु उद्भिद का आधारी कंदिल भाग फूट धानी युक्त मृदुत्तकीय कोशिकाओं से निर्मित होता है। फूट की पृष्ठीय कोशिकाएं युग्मकोद्भिद उत्तक के अंतरा कोशिकाओं का समय
चोषांग जैसी संरचना बनाता है। कैप्सूल, कैप्सूल की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम निम्नलिखित तीन बिंदुओं में करते हैं। कैप्सूल वाल, स्पोरोजिनस टिश्यू और कोलोमेला। सबसे पहले कैप्सूल वाल अर्थात संपुट भित्ति। कैप्सूल वाल 4 से 6 मृदुत्तक के परतों से निर्मित होती है। सबसे बाहरी स्तर सुस्पष्ट बाह्य त्वचा में विभेदित होता है। इसकी कोशिकाएं उदग्र रूप से दीर्घित एवं क्यूटिकल की मोटी परत से आवृत होती है। बाह्य त्वचा में आवृत बीजियों के समान द्वार कोशिका से घिरे हुए रंध्र पाए जाते हैं। ये रंध्र बीजाणुद्भिद के उदग्र अक्ष में विन्यासित रहते हैं, जो कैप्सूल वाल की भीतरी परत में स्थित अंतरा कोशिका अवकाशों से में खुले कैप्सूल वाल की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। इन कोशिकाओं को जल एवं खनिज पदार्थ युग्मकोद्भिद द्वारा प्राप्त होता है। कैप्सूल के शीर्षस्थ भाग की बाह्य त्वचा में 2 या 4 उथली खांचे पाई जाती है, जो कैप्सूल के स्फुटन में सहायक होती है। बीजाणु जन उत्तक, ये उत्तक कैप्सूल के आधार से शीर्ष तक कोलोमेला को गुंबदाकार आकार के रूप में आच्छादित होता है। इसके आधारी भाग में बीजाणु जन उत्तक एक स्तरीय प्रपृष्ठक के रूप में तथा शीर्ष की ओर बीजाणु एवं मिलेटर्स में विभिन्नता होती है। अतः अधिकांश जातियों में कैप्सूल के शीर्ष की ओर बीजाणुजन उत्तक की 2 या अधिक परतें होती है, लेकिन एंथोसिरोस क्रिप्सुलस में केवल आर्चिस्पोरियम की एक परत पाई जाती है। कैप्सूल के परिपक्व भाग में बीजाणु चतुष्कों के साथ आवासीय इलेटर्स भी पाए जाते हैं। अधिकांश जातियों में इलेटर्स 1 से 4 अनियमित आकार की कोशिकाओं से निर्मित सरल या शाखित तंतु रूप से में होते हैं। एंथोसिरोस के लेटर्स में स्थूलन बैंड नहीं पाए जाते। कोलोमेला, ये कैप्सूल के केंद्रीय भाग में स्थित बाह्य त्वचा का स्तंभ है, जो एपिडर्मिस के आधार से शीर्ष तक फैला रहता है, जो मोटी भित्ति युक्त लंबी कोशिकाओं के 16 उदग्र पंक्तियों से निर्मित होता है। कोलोमेला का मुख्य कार्य मृदुल व लंबे कैप्सूल या बीजाणुद्भिद को यांत्रिक सहायता प्रदान करना है। विशेष परिस्थितियों में कोलोमेला कभी कभी जल चालन उत्तक के रूप में कार्य भी करता है। कैप्सूल का स्फुटन, कैप्सूल के बीजाणु अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। परिपक्व कैप्सूल की भित्ति इलेटर बीजाणु एवं कोलोमेला सूखने लगते हैं। इस अवस्था में ये भूरे काले रंग का दिखाई देता है। इस समय कैप्सूल के एक शीर्ष पर 1 से अधिक उदग्र खांचों पर एक अनुदैर्ध्य दरार विकसित होती है, जो धीरे धीरे कैप्सूल के आधार की ओर बहु बढ़ती है। इस प्रकार से कैप्सूल दोनों कपाटों से निर्मित हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में कपाट शीर्ष पर जुड़े होते हैं तथा नीचे की ओर खुले होने से कुछ बीजाणु विलेटर्स अनावृत हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात शीर्ष पर जुड़े कपाट पृथक होने से बीजाणु विलेटर्स मुक्त हो जाते हैं। कैप्सूल वाल की आद्यताग्राही प्रकृति। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। बीजाणु का अंकुरण एंथोसिरोस इरेक्टस व एंथोसिरोस पंक्टेटस में कैप्सूल से मुक्त होने के तुरंत पश्चात तथा एंथोसिरोस फूजी फॉर्मिस में विश्रामावस्था के बाद होता है। अंकुरों के समय बीजाणु जल अवशोषित कर फूल जाते हैं। बीजाणु बहिश्चोल त्रिहरीय कटक से फट जाती है। इस प्रकार से निर्मित झिल्ली द्वारा बीजाणु अंतःशोल व एक जनन नलिका के रूप में बाहर निकलती है। बीजाणु की अंतर्वस्तुएं जनन नलिका में हस्तांतरित हो जाती है। इस अवस्था में बीजाणु रंगहीन प्लास्टिड सक्रिय हो जाता है,
जनन नलिका के शीर्ष पर दो उत्तरोत्तर अनुप्रस्थ विभाजनों से के शीर्ष पर दो सेल्स बन जाती है। इन दोनों सेल्स में एक दूसरे के कोण पर दो उदग्र विभाजनों के फलस्वरूप अष्टांशक बन जाता है। जब इस प्रकार से कैप्सूल दो कपाटों में विभाजित हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में कपाट शीर्ष पर जुड़े होते हैं तथा नीचे की ओर इनके खुले होने से कुछ बीजाणु और इलेटर्स अनावृत हो जाते हैं। कुछ पश्चात शीर्ष पर जुड़े कपाट पृथक होने से बीजाणु व इलेटर्स मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से कैप्सूल वाल आद्यतागाही प्रकृति की होती है और एंथोसीरोस में पूर्ण रूप से इसका स्फुटन हो जाता है बीजाणुद्भिद का। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, बीजाणु का अंकुरण एंथोसीरोस इरेक्टस एंथोसीरोस पंक्टेटस में कैप्सूल में मुक्त होने के तुरंत पश्चात एंथोसीरोस फ्यूजिफॉर्मिस में विश्राम अवस्था के बाद अंकुरण के समय बीजाणु जल अवशोषित कर फूल जाते हैं। बीजाणु बहिश्चोल त्रिये पटक से फट जाती है। इस प्रकार से निर्मित झिर्री द्वारा बीजाणु अंतश्चोल एक जनन नलिका के रूप में बाहर निकलती है। बीजाणु के अंतर्वस्थि जननेंद्रिका में स्थानांतरित हो जाती है। इस अवस्था में बीजाणु का रंगीन प्लास्टिड सक्रियित होकर हरा हो जाता है। जनन नलिका के शीर्ष पर दो उत्तरोत्तर अनुप्रस्थ विभाजनों से शीर्ष पर दो सेल्स बन जाती है। इन दोनों सेल्स में एक दूसरे के समकोण पर उदग्र विभाजनों के फलस्वरूप अष्टांशक बन जाता है। ये अष्टांशक ये बीजाणु अंकुरण कहलाती है। ये प्रक्रिया बीजाणु अंकुरण का अष्टांशक की दूरस्थ चार कोशिकाएं युग्मज्योतक में विभेदित हो जाती है और इस उत्तक की सक्रियता से प्रोथेलस बन जाता है। इस प्रोथेलस के अपेक्षित है कि कोई भी सेल बड़ी व लंबी होकर प्रथम मूलाभास कोशिका बनाती है। ये थेलस की अपेक्षित सतह पर अभिवृद्धि करते हैं और इस प्रकार से अनेक राइजोइड्स अपेक्षित सतह पर उत्पन्न हो जाते हैं। ये पोषण अवशोषित कर थेलस की अन्य कोशिकाओं में विभाजित होकर एक नए थेलस का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हम एंथोसीरोस की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करें। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।